भगवान महाकाल के दरबार में एक दरवाजा ऐसा भी है जिस पर दस्तक देना आसान नहीं होता। भगवान महाकाल से प्रार्थना और अनुमति लेकर इस दरवाजे से प्रवेश होता है। महाकाल के चांदी द्वार की कहानी प्राचीन समय से ही विख्यात है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर कई ऐसी प्राचीन परंपरा और रहस्य से श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना रहता है, जिसके बारे में अधिकांश शिव भक्त जानना चाहते हैं। महाकालेश्वर मंदिर के पुरोहित देवेंद्र गुरु ने बताया कि अनादिकाल से इसी चांदी द्वार से भगवान महाकाल के दरबार में पंडित और पुरोहित प्रवेश करते हैं। दरवाजे में प्रवेश करना आसान बात नहीं है। जब भगवान को शयन आरती के बाद रात्रि विश्राम कराए जाते हैं तो यह द्वार बंद हो जाता है। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से किसी भी घर में प्रवेश करने से पहले घंटी बजाई जाती है, उसी तरह महाकाल के दरबार में भी प्रवेश करने से पहले चांदी द्वार की घंटी को बजाया जाता है। जब घंटी बजती है उस समय इस क्षेत्र में पंडित और पुरोहित के अलावा कोई भी नहीं होता। घंटी बजाने के बाद भगवान महाकाल से अनुमति लेकर चांदी द्वार खोला जाता है, जिसके बाद मंदिर में प्रवेश कर भगवान की नियमित भस्म आरती होती है। उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी महाकाल भगवान से अनुमति लिए बिना और घंटी बजाए बिना मंदिर के गर्भगृह प्रवेश नहीं कर सकता है।